हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो बोलो राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे
हरि राम हरि राम 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 हरि। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग ने श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था याद है? क्या किया था बोलो, कौन करते ले? अरे बोलो, कल लास्ट में कहाँ खत्म कर दिया, कहाँ खत्म किया था याद? याद नहीं, कौन खत्म कर दिया बोलो, कहाँ खत्म किया था? कौन कहते? इसलिए महाप्रभु स्नान करके, गंगा में स्नान करके आए, आ करके उन्होंने तुलसी वृक्ष में पानी दिया। शिक्षा देते हैं रोज तुलसी वृक्ष में हमें पानी देनी चाहिए, इसलिए हम लोग आरती के बाद में पानी देते हैं ना। इसलिए वृंदा तुलसी देव ही प्रिया केशव कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमन, उनकी कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है और भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मंदिर को उन्होंने प्रदक्षिण किया, विष्णु मंदिर को प्रदक्षिण किया। नियम है तुलसी में पानी देनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, भगवान का मंदिर को प्रदक्षिण करनी चाहिए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु अभी अंतलीला का द्वितीय अध्याय में कहते हैं, बोले हे नमते गौर सुंदर शांति पुरे करिला असे सब रंग अद्वैतर घरे। महाप्रभु अभी नवद्वीप छोड़ करके संन्यास लेकर के अभी श्री शांतिपुर में आए। कौन कौन शांतिपुर गए? शांतिपुर कौन कौन? इसलिए कहते शांतिपुर श्री अद्वैत भवन में आए और वहां पर कह रहे हैं अशेष रंग अद्वैत घरे। महाप्रभु अद्वैत घर में विशेष विशेष उन्होंने लीला किया है। महाप्रभु ने भक्त दल के बोले देखो तुम लोग एक काम करो, अभी मैं नीलाचल चलता हूँ दर्शन करने के लिए, फिर कुछ दिन बाद में मैं तुम लोगों साथ में मिलूंगा, तुम लोग घर में जाओ, घर में जाकर करो क्या, घर में जाकर कीर्तन करो। अभी यह महाप्रभु कहते हैं जब घर में जाकर के तुम लोग कीर्तन करोगे, कहते भैया कीर्तन करने से क्या होगा, हैं कीर्तन करने से क्या होगा, बोले कीर्तन करने से एक दिन ही तुम लोग मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए इसी विषय पर प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु भक्तों को यही शिक्षा दिया, विशेष करके तो महाप्रभु दो शिक्षा दिया था, दो उपदेश दिया। क्या दो उपदेश है? वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र भावे श्री कृष्ण चरण, दो उपदेश दिया। अगर ये दो काम का अगर कोई कर ले उसको जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते जब हम ये हरि नाम को हम दृढ़ रूप में करेंगे, हैं जब दृढ़ रूप में करेंगे हरि नाम को, कहते भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं है। इसलिए अभिर्नत्वात् नाम नाम, नाम और नाम ही एक ही वस्तु है। कहते जब हम भगवान का नाम करेंगे उसमें क्या होगा, कहते नाम के बाद खींचे आएंगे आखिरी एक दिन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। इसमें मीरा कहती है कहते नाम की प्रभाव से एक दिन जो नामी है वो स्वयं खींच करके नामी स्वयं आ जाएंगे। भगवान का जो नाम जो रूप जो गुण लीला, कहते अपने आप हरि नाम करने से उनका जो नाम अपने आप नाम के प्रभाव से उनका रूप दिखेगा, फिर धीरे धीरे उनको लीला भी धीरे धीरे हृदय में धीरे धीरे प्रकट होगा। कहते किसको माध्यम से, कहते ये हरि नाम का माध्यम से ही, कहते ये सब कुछ चीज ही हरि नाम से ही होगा, हरि नाम से सब कुछ होगा। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जाते समय उन्होंने यही उपदेश देकर गए
यही उपदेश देकर गए, क्या करो तुम लोग सबके सब घर में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तथा अगर ये हरि नाम करोगे ना, महाप्रभु क्या बोले, दो अवतार लेने वाला हूँ। क्या क्या दो अवतार लेंगे? और एक नाम अवतार और एक अर्चा अवतार। महाप्रभु स्वयं बोल कर गए, इसलिए महाप्रभु अभी संन्यास लेकर जा रहे हैं। अभी भक्तों को साथ में नवद्वीप में लीला की, लीला करने के बाद भक्तों को यही आश्वासन प्रभु देते हैं, अगर ये हरि नाम को अगर हम ठीक ठीक से करेंगे, ये नाम ही नामी रूप में एक दिन हमारे पास में प्रकट होगा। इसलिए गुरुदेव हमें क्या देते हैं, नाम ही देते हैं, और क्या देते हैं, हरिनाम दे दिया है ना। इसलिए एक बार गुरुदेव बोल रहे थे, भगवंत नारायण गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, मैं सोचता था गुरुदेव क्या दिया, कुछ तो दिया नहीं, एक माला ही दे दिया हमें। गुरुदेव बोल रहे थे, बोले जब पहले पहले आया सोचा गुरुदेव तो हमें एक माला ही दे दिया, और तो गुरुदेव कुछ दिया ही नहीं, एक माला ही दिया। लेकिन उस समय तो मैं माला की महिमा, गुरुदेव यद्यप शिक्षा के लिए कहते हैं, माला की महिमा मैंने समझा नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं हरिनाम करते रहा ना, और गुरुदेव कहते थे, मेरे मन में भी बहुत बड़ी बड़ी शंका आता था। मैंने ये शंका, गुरुदेव बहुत बुद्धिमान थे ना, बड़ा तेज बुद्धि के थे महाराज, बड़ी तेज बुद्धि के एकदम महाराज जी, इसलिए बोलते थे ऐसे कुछ प्रश्न मेरे अंदर में आता था। मैंने बहुत वैष्णवों को मैंने प्रश्न किया, लेकिन मेरे को जैसे सटीक रूप में इसका आंसर जैसे मेरे को नहीं मिला। लेकिन जितने परिमाण से मैंने हरिनाम करते गया, हरिनाम करते गया, मेरे हृदय में वो नाम की प्रभाव से हृदय में सारी शंका जैसे अपने आप समाधान हो गए, सारे समाधान। जब रूप सनातन गौड़ी मठ बन रहा था, गुरुदेव कह रहे थे, रूप सनातन मठ देखा कि नहीं देखे हो, कौन कौन देखे? इसलिए उसी समय पैसा बहुत कठिन था, इतना आसानी नहीं था पैसा, तो गुरुदेव पहले पहले ज्यादा ज्यादा भजन के ऊपर उन्होंने प्रयास किया, बैठ करके 1,00,000 हरिनाम करना और ग्रंथ अध्ययन करना, शास्त्र भजन में पहले गुरुदेव डूबे रहते थे। इसलिए जैसे फैन चलता है ना मथुरा में, गर्मी का समय में जो फैन चलता था, गुरुदेव आकर रात में बंद कर देते थे। बोले क्यों? बोले इसका बिजली बिल देखा था, आएगा कैसे पैसा, क्योंकि गुरुदेव पहले बाहर ज्यादा नहीं जाते थे, मंदिर में ज्यादा भजन ही ज्यादा करते थे गुरुदेव। इसलिए मतलब ऐसे, इसलिए गुरुदेव बोलते थे, जब वो रूप सनातन मंदिर बन रहा था है, तो उस समय एक एक पैसा मिलना बड़ा कठिन। जब धीरे धीरे विदेशी लोग आए और दिल्ली के भक्त लोग आए, धीरे धीरे पैसा आने लगा। लेकिन पहले यहाँ से जब गए थे सब, वहां से बंगाली भक्त थे, और उनको चावल के बगैर ना उनका काम नहीं चलता है। बंगाली लोग है ना, रोटी खाने पर कहेंगे ये तो नाश्ता किया, भोजन नहीं किया है, रोटी खा करके ये नाश्ता किया, भोजन नहीं हुआ है, है? लेकिन जो चावल खाए ना बोले भोजन। और बंगाल में, हमारे बंगाल में अगर कोई रोटी खाएगा बोले इतना गरीबी आ गया तुम रोटी खा रहे हो, गरीबी आ गया तुम रोटी खा रहे हो, ऐसे सोचते थे। इसलिए उनको चावल चाहिए, लेकिन चावल द्वादश में एक बार केवल उनको चावल मिलता था, इसलिए चावल के लिए तरसते थे चावल के लिए। ऐसे सीधा इसलिए गुरुदेव कहते थे, मैं सोचता था रूप सनातन मंदिर आरम्भ कर दिया, अभी कहाँ से इतने पैसे आएंगे। गुरुदेव बोलते, जब मैं हरिनाम करता था तुलसी वृक्ष को साफ सामने, कभी कभी मेरे मन में भावना आती थी, कब पैसे कैसे पैसा आएगा, कैसे मंदिर बनेगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसा आया, कैसे बन गया। केवल मैंने इच्छा मात्र से ही हरिनाम करते ना, ना मेरे फले ऐसा फल पाई रे, नाम का जो बाह्य जो फल है, धन दौलत पुत्र परिवार, ये तो आसानी से ही मिल जाती है। गोवर्धन मंदिर देखा है? कौन कौन देखा गोवर्धन मंदिर? नवद्वीप मंदिर देखे हो? कितना विशाल मंदिर गोवर्धन मंदिर में, कितने पता नहीं कितने करोड़ रुपया खर्चा हुआ। गुरुदेव खुद बोलते थे, जब मेरे मन में केवल थोड़ी सी इच्छा होती थी ना, पता नहीं कहाँ से पैसा आता था, मेरे को पता ही नहीं चलता था कहाँ से पैसा, करोड़ रुपया वहां पर लगा है, सब पत्थर में, सब कारीगरी, सब पत्थर गोबर में। कभी ये हरिनाम का प्रभाव है ना, कभी इसका जो बाह्य फल है, रुपया पैसा धन दौलत प्रतिष्ठा, ये सारा दुनिया की वस्तु अपने आप हरिनाम के फल में मिल जाती है। लेकिन हरिनाम का जो शुद्ध फल है कृष्ण प्रेम। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, तुम लोगों को मैंने हरिनाम दिया है, तुम चिंता मत करो, अच्छी रात में मैं फिर तुम लोगों को साथ में मिलूंगा।
फिर मैं मिलूंगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद टीका में कहते हैं, यहाँ कहते नाम भजन कृष्ण नाम योग्यता अच्छे तुम्हारे, इसलिए तुम लोग ये कृष्ण नाम को कर सकते हो। ये नाम भजन का प्रभाव से हैं, प्रभाव से क्या ये क्या मिलेगा, अशोक अभय अमृत ये जितने सारे वस्तु अपने आप मिलेगा। और नाम को द्वारा एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं खेसते हुए आ जाएंगे। इसलिए प्रेम का तीन लक्षण है, कितना लक्षण है कहते हैं, कहते साधन का तीन स्टेजेज है, कहते एक साधन और एक भाव और एक है प्रेम। और जो प्रेम का दो लक्षण है, क्या दो लक्षण है, साधारणांदा विशेष आत्मा श्री कृष्ण दर्शन चसा, ये दो लक्षण है। साधारणांदा विशेष आत्मा मतलब क्या है, जैसे दूध को गर्मी करते 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 जैसे राबड़ी बन जाता है, उसी तरह का ये हरिनाम को करते 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 राबड़ी बन जाएगा। राबड़ी बन जाएगा मतलब क्या है, कहते प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, उस समय हर प्रतिपद में एक एक नई 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 आनंद की अनुभूति होगी, नई नई आनंद अनुभूति होगी। और दूसरा लक्षण क्या बोले, श्री कृष्ण कर्षणी चसा, जैसे फूल खिलने पर फूल भौरा को पास में नहीं, भौरा फूल को पास में आता है बैठ करके मधु का आस्वादन करता है, उसी तरह हृदय में जब कृष्ण प्रेम प्रकट होगा भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान खुद आए। इसलिए गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाते थे, कृष्ण क्या करते थे, गोपियों घर घर में आकर के मक्खन चोरी करते थे और उनका दर्शन देते थे, हैं? इसलिए ध्रुव महाराज भगवान को पास में नहीं गए, भगवान ध्रुव जी को पास में आए, दर्शन करने के लिए आए। भगवान जो पूछे आप कहाँ जा रहे हो, जैसे कोई हम मेला में जाए ना कपड़ा पपड़ा पहन करके सज धज करके हम जाते बढ़िया से टिप टॉप बज करके, जब भगवान वहां पर सज धज करके अपना रथ में आ रहे थे तब वैकुंठ वासियों ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो, बोले ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन देने के लिए नहीं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान खुद कहते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति की इतना प्रभाव है, वो भगवान को खींच करके ले आता है। इसलिए यहाँ प्रभु का महाप्रभु जो बोले भक्तों को जाओ घर में जाकर क्या करो हरिनाम को करो, है तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं ये हरिनाम को द्वारा ही सब कुछ। महाप्रभु में क्या देकर गए, गुरुदेव हरिनाम तो दिए, महाप्रभु हित हरिनाम देकर गए ना, इसलिए कहते हरिनाम को हमें बड़े प्रेम पूर्वक हरिनाम करने चाहिए। बोले जीवन मरण कृष्ण इच्छा ऐसे है, विश्वा अमृत भकिलो किछु नहीं, कहते जगत में जितना जीवन मरण जो कुछ है बोले भगवान की इच्छा से ही होता है। अगर कोई बीस बा अमृत अगर कोई भक्षण कर देता है, अगर कोई जहर भी पी लेता है ना, अगर मरने का अगर नहीं हो बरबर बीरा ने क्या किया, उनको के लिए जहर भेजा मारने के लिए भगवान को अर्पण करके उन्होंने गुराग पूरा पान कर लिया, जहर ही पान कर लिया। प्रहलाद को मारने के लिए क्या जहर भेजा है ना, लेकिन जहर को भी उन्होंने पान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। कहते उसी तरह जो जीवन मरण है भगवत इच्छा से होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रभु रामायण, अभी जब महाप्रभु चल रहे थे, महाप्रभु साथ साथ कुछ भक्त चल रहे थे, बोले कौन चल रहे थे, बोले एक नित्यानंद प्रभु चल रहे थे और एक गाधर पंडित चल रहे थे, एक मुकुंद और गोविंद जगदानंद और ब्रह्मानंद भारती। जब ये सबके सब महाप्रभु के साथ में चल रहे थे, महाप्रभु इनको परीक्षा करने के लिए एक प्रश्न पूछा, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, उनका प्रश्न था कहते तुम लोग जो मेरे साथ में चल रहे हो साथ में कुछ लाए नहीं ना, साथ में तो कुछ नहीं लाए, ये केवल परीक्षा करने के लिए उन्होंने भेजा। जब उन्होंने इतना बोले तब भक्त लोगों ने कहा प्रभु जब तक आपको साथ में जब चल रहे हैं आपका आज्ञा के बगैर हम थोड़ी कुछ ले सकते, जब कुछ लेंगे आपके आज्ञा से इतना ग्रहण करेंगे, लेकिन आप तो आज्ञा नहीं दिया नहीं हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं, कहते जो भक्ति करना चाहते हैं, जैसे कभी होता है ना कुछ सोचते हैं पैसा कुछ बैंक में डिपोजिट रख लेंगे वहां से कुछ इंटरेस्ट आएगा और अपना जीविका निर्वाह करेंगे, महाप्रभु उसके लिए शिक्षा देते हैं ऐसे नहीं करनी। जो वैराग्य जीवन यापन करना चाहते हैं कहते उनके लिए गृहस्थ के लिए कुछ ठीक है, लेकिन त्यागियों के लिए यहाँ पर महाप्रभु मना करते हैं, इनको ऐसे नहीं कुछ पैसा रखेंगे,
भविष्य में क्या होगा? अगर हमें कोई देखा नहीं, देखेंगे नहीं तो फिर हमको कौन देखेगा? फिर हमारा भविष्य क्या होगा? हैं? अगर लास्ट में कोई देखे नहीं तो फिर होगा क्या? कभी कभी सोचते ना कोई भाई, लेकिन यहाँ महापुरुष क्या देते हैं? बोले नहीं, इसलिए यहाँ पर तक महापुरुष क्या कहते हैं, बोले भोक्तव्य अदृष्ट था के जेदीन लिखे अन्य रो हमें मिले अवश्य तखनी। बोले भोक्तव्य अदृष्ट था के जेदीन लिखने, बोले भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ होता है अन्य रो हमें मिले अवश्य तखने, कहते निश्चित रूप में तुमको भाग्य में जो लिखा हुआ होगा ना वो निश्चित रूप में मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। इसलिए प्रभु जा रहे जे दिवस ना लिखे आहार राजा पुत्र हो बा उपवास तहार। कहते अगर भगवान किसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा ना, कहते वो राजा का बेटा क्यों नहीं हो, और राजा का बेटा क्यों नहीं, अगर भाग्य में लिखा हुआ नहीं नहीं मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। सोचेगा राजा का बेटा है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन थाकी लो खाई थे ना पा रहे आज्ञा में नहीं, घर में सब कुछ है, लेकिन जब तक ठाकुर का आदेश नहीं होना उसका आज्ञा के बगैर कोई भोजन नहीं कर सकते हैं। बोले अकस्मात कलह करे कार सने, खाने के लिए बैठे हैं, खाने के लिए प्लेट लेकर बैठे हैं, अभी मुंह में भोजन करने जा रहे हैं, लेकिन भाग्य में है ही नहीं, भोजन नहीं कर सकते। हटात किसने कोई कड़ी बात बोल दिया, कड़ी बात बोल दे तो क्या करेगा? बोले खाने के लिए बैठा तुम्हें ऐसे बोले, थाला को धक कर भाग जाएगा। कहते इसका मतलब क्या समझे? बोले मतलब है वो निमित्त नहीं है, क्या है तुम्हारे भाग्य में आज भोजन नहीं है, भोजन तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए पृथ्वी, इसलिए कहते भगवान पृथ्वी को पूर्ण अन्न छत्र बना करके रखा। पृथ्वी में जहाँ देखो पेड़ पौधा जहाँ फल फूल सब खाने के लिए वस्तु है ना, कहते सब कुछ खाने के लिए वस्तु है। कहते जब तक ईश्वर का इच्छा नहीं होगा करोड़ों प्रयत्न करने पर भी भोजन नहीं मिल सकता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी ना कहीं भी तुम जाओ मिल जाएगा। इसलिए कथा सुनाते ना, एक समय दो व्यक्ति में लड़ाई हो गया, एक आस्तिक एक नास्तिक है। एक आस्तिक कहते हैं देख भैया तुम्हारे भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है होता है ना, कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। जो नास्तिक था बोले क्या मैं नहीं खाऊंगा तो क्या मेरे मुंह में कोई ठोस ठोस कर खिला देगा? बोले भैया अगर तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ होगा ना कहीं भी रहो मिलेगा ही। बोले नहीं खाने पर मिल जाएगा? बोले निश्चिंत भाग्य में लिखा होगा तो कहाँ जाओगे? बोले ठीक है मैं इसको परीक्षा करूंगा। उसने क्या किया? बोले देखता हूँ अरे कौन खिलाता है। गया मान करके भगवान से लड़ाई कर गया और नदी का किनारा बह रहा था जहाँ पर कोई भी आने का कोई सवाल है ही नहीं है, कोई सवाल है ही नहीं। एक पेड़ ऊपर चढ़ गया, चढ़ बैठ गया, देखता हूँ मेरे को कौन खिलाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। और चुपचाप बैठा हुआ। इतने में कुछ हो चात्री लोग आए, आ करके ठीक उसको पेड़ को नीचे, सोचा नदी में नहाएंगे, नहा करके यहीं पर बढ़िया करके पूरी लुची सब्जी और हलवा बनवाएंगे और खाएंगे, तो खा कर जाएंगे। और वो ऊपर बैठे बैठे सब देख रहा है। बोले अरे मैं तो सोच रहा था अगर मैं खाऊंगा नहीं मेरे को कौन खिलाएगा, पता नहीं कहाँ से आकर के इस पेड़ को नीचे क्यों बनाना शुरू कर दिया। वो सब कुछ देख रहा है, पूरी बना रहे हैं गरम गरम पूरी छाक रहे हैं और गर्म प्योर घी के हलवा बना रहे, खुशबू ऊपर में आ रहा है और एकदम गोभी आलू की सब्जी है एकदम प्योर घी में सब खुशबू आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो क्रोध करके यहाँ पर आ गया कि क्या हो रहा है। जब ठीक बना रहे थे ना, जब बन गया जो खाने के लिए जा रहे थे, हठात वहां पर गांव में डाकुओं का आक्रमण हुआ। डाकुओं का आक्रमण हुआ तो इतने में सब लोग भाग रहे थे, प्राण लेकर के डाकू लोग आक्रमण कर रहे हैं, भाग रहे थे। इतने में वो लोग जो खाने के लिए जा रहे थे ना, खाना क्या खाएंगे, जी जान लेकर वहां से भाग गए। जब भाग गए बोले ये क्या हो रहा है सब, ये भाग गए खाने के लिए छोड़ करके। इतने में डाकू लोग आकर के देखा, अरे बड़े सुंदर गरम गरम पूरी हलवा एकदम खुशबू आ रहे हैं प्योर घी के। बोले एक ने कहा भैया बड़े भूख जोर से भूख लग रहा था, चलो बैठ कर भोजन करते हैं। एक ने कहा ससावधान यहाँ पर थोड़ी कोई सेठ साहूकार आया जो कि तुमको भोजन बना कर खिलाएगा, किसको पता हम लोग इसी जंगल में रहते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति ने हमको मरवाने के लिए इसमें जहर मिला करके यहाँ पर रख करके गए, आएंगे हम भोजन कर मर जाएंगे। वाह बात तो सही कर रहे हो, या हम कौन देख करके जाएगा। देख जरूरी ये आसपास में कोई होगा जरूर,
हैं, जो कि हमको मरवाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा हुआ। देख इधर उधर, उधर इधर देखते, पेड़ के ऊपर देखा बैठा हुआ, बोले सही बता रहा था, हाँ ये तो सही बात है, देखो वो बैठा हुआ ऊपर देख रहा है, हम कब खाएंगे कैसे मरेंगे। बोले बदमाश, हमें मरवाने के लिए ऊपर बैठ गया, गया यहाँ पर बना कर, नीचे उतर, उतर नीचे। उसको जोर जबरदस्ती नीचे उतरवाया, बोले खा इसको, हमें मरवाया, खाएगा नहीं, मारे एक थप्पड़ है, जोर से थप्पड़ मारी। और वो था करके दो तीन व्यक्ति का खाना था, एक व्यक्ति था और उसको जोर जोर करके मुंह में ठोस ठोस कर खिलाया है, दो तीन व्यक्ति का आहार, एक व्यक्ति को मार मार कर खिलाया। बोले दुष्ट हमें मर, में तुम मर, हम जा रहे। उसने कहा भैया बात तो सही है, कहा हम भगवान से लड़ाई किया, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, किससे भगवान से लड़ाई किया है, और मैंने लड़ाई करके यहाँ पर कहा एकांत में बैठ गया और भगवान से लड़ाई किया ना, इसलिए दो तीन व्यक्ति का आदमी को ठोस ठोस करके, कि भगवान को मैंने विश्वास नहीं किया ना, बोले दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है, ठोस ठोस करके हमें खिलाया। सचमुच से भाग्य में जो लिखा हुआ होता है ना वो मिलता है। फिर इतना बड़ा उसने संत बना, इतने बड़े संत बने, बोले भगवान ठोस ठोस कर खिलाते। फिर उन्होंने भैया लिखा, अजगर ना करे चाकरी पंखी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबका दाता राम। ये मलुक ने कहा कर, ये मलुक बहुत बड़े संत, इतने इसको भगवान पर विश्वास हो गया ना, सचमुच से दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। इसलिए जो भाग्य में होगा है ना वो कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा ही है, वो मिलेगा ही। देखो अभी जिस समय, इस समय देखो चारों तरफ में लॉकडाउन है, लॉकडाउन, लोग खाने के लिए कहीं तरसते हैं, लेकिन हमारे देखो मंदिर में देखो चकाचक भोजन कर रहे हैं, तीन तीन टाइम भोजन कर रहे हैं, छत्तू खा रहे हैं, चार टाइम कभी चार टाइम कभी बिस्कुट खा रहे हैं, चार टाइम चकाचक भोजन चल रहा है यहाँ पर है, कि कोई कोई नहीं खा खा कर शरीर पतला हो रहा है, और यहाँ पर हमारे भक्त लोग खा कर बढ़िया हेल्दी बन रहे हैं। इसलिए नहीं नहीं बताओ ये चीज को दिया किसने, हम लोग किसने दिया है, ये हमारे एक तो ठाकुर जी दिए है, क्योंकि हम ठाकुर जी भजन कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं ना, मेरे भजन करने वाले कोई भूखे नहीं रहते, मैं सर पर ढो करके उसको घर में पहुंचाता हूँ। एक व्यक्ति दिन भर परिश्रम करते करते, गृहस्थी का देखो, दिन भर परिश्रम करते 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 पहले सबको खिलाएगा, एक जो गृहस्थ व्यक्ति स्त्री पुत्र परिवार सबसे पहले खिलाएगा, लास्ट में बचा हुआ वस्तु खाएगा, अगर मिलेगा तो मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पर देखो चकाचक है, रो रहा था, हाँ हमारा संसार नहीं चल रहा है, हम क्या करेंगे, सारा दुनिया रो रहे हैं, जो होटल वाले ना सब के सब इधर, सब दुनिया, कोई गैस लाता था, कोई इधर चीज लाता था उधर, कोई काम करके पैसा चलता था, सब इधर उधर सब रो रहे हैं, सब के सब रो रहे हैं। हमारे वहाँ पर नोएडा में कोई भक्त का परिवार है, कहते अभी खाने के लिए उनका पैसा नहीं, किरायादारों पर रहते थे, किरायादार रहते थे, खाने के लिए पैसा नहीं, उसको कहते उनको पिता कहीं जाते हैं जहाँ पर अन्न देते हैं, उनको अन्न बांट कर वहां से अन्न लाते हैं, फिर घर चल, किस तरह से चलता है घर। लेकिन भगवान की भक्ति करने से ठाकुर जी अपने आप हर चीज देते हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं इच्छा बिना किछो फल ना इधर, हम तो करोड़ों इच्छा करते हैं लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होने पर कोई भी काम नहीं होता है, हैं? विद्या ग्रहण गंगाधर, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया वहां पर, महाप्रभु ने हैं कहते वहां पर भक्तों घर ब्राह्मणों घर में उन्होंने महाप्रभु ने भिक्षा लिया, भिक्षा ग्रहण करते हुए महाप्रभु चले। जब चले, चलते चलते एक स्थान आया है अम्बुलिंग, अम्बुलिंग उसको कहते हैं, जिस समय भगीरथ गंगा को ले जा रहे थे, पूर्वजों को घर करने के लिए गंगा को ले जा रहे थे, जाते जाते ठीक बीच में शंकर जी आए, जब शंकर जी आए शंकर जी ने कहा गंगा, ये भगवान के चरणामृत बड़े भाग्य से गंगा दर्शन मिलता है, इतने में शंकर जी गंगा में झांप दी है, गंगा में झांप दिए और शंकर जी गंगा जी को स्तुति की, और गंगा भी शंकर जी को स्तुति की, क्यों एक वैष्णव एक वैष्णवी है, इसलिए कहते गंगा भी शंकर जी का महिमा को जानते हैं और शंकर भी गंगा जी को महिमा जानते हैं, दोनों को महिमा जानते हैं,
दोनों दोनों को स्तुति किए, कहते वहीं पर एक अम्बुलिंग है। अम्बुलिंग का मतलब क्या है? मतलब जब श्री शंकर जी गंगा जी को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही प्रेम में ही शंकर जी वहीं पर तरबूत हो गए, उन्हें पानी बन गई वहीं पर है। इसलिए कहते वहां पर अम्बुलिंग है, महाप्रभु वहां पर जाकर के वहीं पर महाप्रभु अम्बुलिंग में वहीं पर स्नान किया। कहते वहीं पर गंगा शतमुखी है, सौमुखी गंगा जी धार वहां पर है। वहां पर महाप्रभु ने स्नान करके वहीं पर अभी महाप्रभु उड़ीसा आ रहे, लेकिन पहले उड़ीसा आना इतना आसानी नहीं था। अभी जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन तो था ही नहीं, अभी जैसे बस आती है, बस भी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, आओ तो चल चल करके, और बीच में बहुत सारी नदियां पड़ती थी, जैसे ब्रिज बना हुआ, पहले ब्रिज नहीं होता था, वो नदी को नदी में नाव में बैठ करके नदी को पार करते थे है? जब नदी पार करते थे उसी समय में क्या होता था, नदी को अंदर में डाकू लोग रहते थे, कहीं कहीं तो त्रिशूल को गाड़ करके रखते थे है? और बीच बीच में उनको क्या करते थे, उनको आक्रमण करके सब कुछ उनको उनसे सब कुछ छीन लेते थे, सबके सब है, सबके सब छीन लेते थे। इसलिए अभी श्री मन महाप्रभु अभी नदी पार करके आना चाहते हैं, लेकिन वहां पर तो दुष्ट बदमाशियों का वहां पर अटक आना है, है? इसलिए पहले एक प्रसंग गया, वहां पर कह रहे हैं महाप्रभु जब आ रहे थे पुरी, बोले प्रभु पुरी जाना इतने आसानी बात नहीं, आप जो सोच रहे हो पुरी जाएंगे इतने आसानी बात नहीं, रास्ता में बड़े उत्पात हैं, बड़े उत्पात हैं। जब भक्त लोगों ने बोले तो अद्वैत आचार्य एक अच्छी बात बताए, बोले उत्पात तो है लेकिन होने पर भी कहते ना जतपाद बल्लभ जुगम, श्लोक याद है, किसको याद है? कहते जतपाद बल्लभ जुगम विनिधाय कुंभे प्रणाम समय स गणाधिराज, तापर उसको बाद में बोलो, उसको बाद सो गणाधिराज गोविंदा गोविंद मादि पुरुषम तवम भजामि। कहते उसी श्लोक में एक श्लोक है, बोले कहते गणेश जी को कहते ना ये विघ्न विनाश करने वाले श्री गणेश है, गणेश बेचारे विघ्नों को विनाश करते हैं, लेकिन जो गणेश जो विघ्न विनाश करते हैं किसकी कृपा से, बोले जत पाद बल्लभ जुगम विनिधाय कुंभे सब प्रणाम समय गणाधिराज। और सबसे पहले गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, बोले क्यों किस रूप में पूजा होता है, ये सारे विघ्न को दूर करते, बोले कहाँ से तुमको मिला, बोले एक समय जो मूल जो सिद्धिदाता कहते भगवान नरसिंहदेव, स्वयं भगवान नरसिंहदेव ये सिद्धिदाता है। एक बार भगवान नरसिंहदेव ने क्या किया, विनिधाय कुंभ, जो गणेश जी है हाथी का सर है, यहाँ पर दो कुंभ जैसे है कलसी जैसे, एक बार नरसिंह भगवान ने किया क्या, दोनों चरण को उन्होंने उनकी सर पर नरसिंहदेव रख लिया था, रख लिया था तो नरसिंह भगवान से थोड़ी सिद्धि है, थोड़ी सिद्धि गणेश जी में आ गई, गणेश जी में आ गए तो जगत में वो सिद्धिदाता बन गए और जगत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। लेकिन मूल सिद्धिदाता कौन, बोले नरसिंहदेव, बोले चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को नहीं, कहते गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि, ये स्वयं भगवान कृष्ण, कहते इनकी अंश के अंश के अंश श्री नरसिंहदेव। जब नरसिंहदेव कृपा से ही गणेश जी सिद्धिदाता विघ्न विनाशन बने, और वो कहां भगवान गोविंद महादि पुरुषम। इसलिए अद्वैत आचार्य महाप्रभु का तत्व को यहाँ पर कह रहे हैं, बोले जहाँ अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, आप कह रहे हो क्या बीच बीच में बड़े बाधा विपत्ति और वहां पर गुंडा बदमाशी है, नदी पार हो गए तो बड़े बाधा विपत्ति है, अरे भगवान को क्या बाधा विपत्ति कर सकते हैं, सारा दुनिया का किसी का नाम लेने से सारे बाधा विपत्ति दूर हो जाए, वो क्या डरेंगे। अद्वैत आचार्य महाप्रभु की तत्व को बोल रहे हैं है? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु अभी पार करेंगे, नदी पार करेंगे, जब नदी पार करेंगे महाप्रभु, लेकिन पार करेंगे कैसे, लेकिन उसी गांव के देखो महाप्रभु का कैसे, उसी गांव में वहां पर रामचंद्र खान एक व्यक्ति था है, वो मुसलमान रामचंद्र खान, वो मुसलमान पहले था मुसलमान रामचंद्र खान, कभी इसे याद है, इसे तो और यहाँ पर रामचंद्र खान लिखा हुआ खान, ये तो कतरे को होता है, हाँ हो सकता है, इसलिए पहले और एक था ना कोई रामचंद्र खान, पता नहीं ये यहाँ पर रामचंद्र खान,
मुझे लगता है रामचंद्र जो भगवान का नाम है। कहते यहाँ पर कोई कहते उसी ग्राम में कहते जो अधिकारी है उसी गांव का अधिकारी श्री रामचंद्र खान है, हैं? इसलिए कहते ये बड़े भाग्यवान हैं, इसलिए उन्होंने जब वो दोला में वहाँ के गांव के मुखिया है जिस समय वो दोला में बैठे करके जा रहा था जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया दोला से उतरे, दोला से उतर करके श्री महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके अद्भुत रूप देख करके महाप्रभु का शरीर में प्रेम के विकार को देख करके हैं देख करके हैं कहते भक्त लोगों ने प्रभु किसने कहा देखो इसी गांव के ये अधिकारी है, हैं ये गांव के अधिकारी है, अभी आपको जाने के लिए नीलाचल जाने के लिए ये सारे व्यवस्था कर देंगे। इसलिए दुई अभी दोनों देश में लड़ाई है, उड़ीसा देश में और इस तरह जो इस देश है बंगाल दोनों में, अब बीच में ये नदी है, अब बीच में त्रिशूल गाड़ा रहता है, हैं? और बीच में अगर कोई मिला ना उसको प्राण ले लेते हैं, इसलिए बड़े बड़े वहाँ के डाकू लोग बीच में रहते हैं। लेकिन वो जो रामचंद्र खान कहता है कहते यहाँ का जो मूल जो नस्कर चोर जो चोरी करने वाले और जो मुलिया मैं हूँ मुखिया मैं हूँ, कहते प्रभु कोई चिंता मत करो आपको हम किसी तरह से ये नदी पार करा देंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। तो महाप्रभु वहां पर रात में किसी ब्राह्मण घर में भोजन किया, भोजन करके अभी नाव में बैठे, जब नाव में बैठे महाप्रभु मुकुंद का आदेश दिया मुकुंद कीर्तन कर, इतने में मुकुंद बड़े सुशीली स्वर से उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। जब कीर्तन करना शुरू किया जो नाव चला रहा था ना बोले यहाँ पर कीर्तन मत किया करो, यहाँ पर कीर्तन मत किया करो, हम सब छुप छुप करके हम किसी तरह से नदी पार कर रहे हैं, अगर वहां पता चलेगा ना कीर्तन करने से किसको पता चलेगा तो क्या होगा, हैं? इसलिए जब तक हम उड़ीसा में नहीं पहुंच जाते तब तक कीर्तन को बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर सबके सब डकैत जगह जगह में है और बीच बीच में मगरमच्छ भी है, और इतना नहीं कि जो जंगल है ना चाहते जंगल भी उधर है कहते वहां पर बाघ भी निवास करते हैं, इसलिए अभी कीर्तन मत किया करो, अभी कीर्तन को बंद कर दो जब तक हम लोग नहीं पहुंच जाते हैं उड़ीसा में। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम में महाप्रभु तो उनका शरीर में जो दिव्य प्रेम प्रकट हो रहा था हैं कौन बोले भाई, इतने में महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं बोले कोई चिंता मत करो, बोले क्यों किसलिए चिंता नहीं करे, बोले विष्णु चक्र सुदर्शन थाकिते कार शक्ति आचे भक्त भक्त जनर लंघिते, क्योंकि भक्तों को हर समय कौन रखा करता है सुदर्शन चक्र है, इसलिए कहते सारा दुनिया किसको डरता है काल को, लेकिन काल किसको डरता है भक्तों को डरता है, हैं? क्योंकि बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, और विष्णुदास को रक्षा करने वाले स्वयं सुदर्शन चक्र भगवान सुदर्शन चक्र को आदेश देकर रखे, जैसे श्री अम्बरीश महाराज हैं जब उनको दुर्वासा जी ने कृत्या निक्षेप किया राक्षस, उस समय सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के पहले उन्होंने उनको विनाश किया, बोले कोई चिंता मत करो सुदर्शन चक्र वैष्णव को रक्षा करते हैं, बोले जे पापिष्ट वैष्णव रे पक्ष हिंसा करे सुदर्शन अग्नि ते से पापी पूरी मरे, यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं जो व्यक्ति वैष्णव को हिंसा करते हैं कहते सुदर्शन चक्र अग्नि में वो पापी जल करके राग बन जाती, इसलिए कोई चिंता मत करो, चिंता नहीं करके क्या करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमान महाप्रभु प्रयाग घाट में गए स्नान किया, वहां पर युधिष्ठिर ने एक महेश शंकर जी स्थापन किए थे, महाप्रभु उसी मंदिर में दर्शन किया, दर्शन करते हुए भक्तों को बोले तुम लोग यहीं पर रुको मैं कुछ भिक्षा करके लाता हूँ, महाप्रभु गए कुछ भिक्षा करके लाए, जब भिक्षा करके लाए तो यहाँ पर कह रहे हैं बोले भिक्षा द्रव्य देखी सबे लागिला हासिते सबे सबे ही बोले न प्रभु पारी में पोषिते, महाप्रभु भिक्षा किया है, महाप्रभु जाकर भिक्षा किया
भिक्षा करके जब लाए भक्त लोग बड़े खुश हुए। क्या खुश, क्या बोलते हैं? कहते ये महाप्रभु क्या कर सकते हैं, कहते ये अपने आप को भरण पोषण कर सकते हैं, भक्तों को भी भरण पोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते भैया भिक्षा कौन कर रहे हैं? लक्ष्मीपति। कौन कर रहे हैं भिक्षा? लक्ष्मीपति, जिस लक्ष्मी कृपा से ही विश्व ब्रह्मांड भरण पोषण होता है, जिनकी लक्ष्मी की, आज लक्ष्मीपति स्वयं भिक्षा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर टीका में कहते हैं, यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जो बैरागी है ना, जो बैरागी व्यक्ति है, इनको भिक्षा द्वारा ही जीविका निर्वाह करनी चाहिए, ये नियम है, है? इसलिए भिक्षा करने से क्या होता है, जैसे मथुरा में हम लोग जाते थे घर घर में, क्यों जाते थे, कारण क्या? कहते जो द्वादश में सीधा लेने के लिए जाते, घर घर में सीधा लेने के लिए जाते हैं, इसलिए नियम है। तब जैसे श्री महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी, ये क्या पैसा को संग्रह नहीं कर सकते, तो पैसा को, वो तो इतने बड़े घर के व्यक्ति थे, सनातन गोस्वामी इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर पद में थे, वो क्या कुछ पैसा साथ में ला करके नहीं ला सकते थे? ला सकते थे, लेकिन लाए नहीं, क्यों? कारण क्या? महाप्रभु क्यों नहीं लाए, ये लोग क्यों नहीं लाए हैं? और महाप्रभु कहाँ, कौन है? कल भगवान है, पर ये भगवान पर के भिक्षा क्यों मांगने जा रहे? कहते भिक्षा किस लिए मांगने के लिए जा रहे? शिक्षा देते हैं, कहते जो बैरागी का ना ये नियम है, भिक्षा का द्वारा ही अपना जीविका निर्वाह करनी चाहिए, भिक्षा वस्तु में उसमें आसक्ति नहीं रहती है। ये लेकिन घर हर घर घर में कुछ 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 जो भिक्षा चावल भिक्षा देते हैं, उनको भी आसक्ति उसमें नहीं रहता है। और भिक्षा लेने से क्या होता है, जो भिक्षा देता है, जो वह वस्तु को हम ठाकुर जी को सेवा में लगाए, जो भिक्षा देते हैं उनका भी सुकृति होता है, उनका भी कल्याण होता है, और साधक का जीवन में भी कल्याण होता है। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जो वैराग्य व्यक्ति है उनको भिक्षा करके अपना जीविका निर्वाह करनी चाहिए। भिक्षा वस्तु करने से, जब भिक्षा करेंगे ना, जो भिक्षा लेने वाले का हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, होने पर क्या होता है, भिक्षा करने से हमारे अंदर में जो अभिमान है, जो अहंकार है ना, वो दूर होता है भिक्षा लेने से। भिक्षा से हमारे अभिमान अहंकार दूर होता है, अपने अंदर में दीनहीन भावना आती है। किसी घर में जाओगे तो कोई गाली देगा, किसी घर में जाओगे तो कोई आदर करेगा, कहीं गाली देगा कहीं आदर करेगा, इसको द्वारा क्या होगा? महाप्रभु जो कहते ना, त्रिनादपि सुनी चेन तररपि सही सुनना अमानिनांग मानदन कीर्तनीय सदारी, इसके अंदर में त्रिनादपि सुनिचि भाव आएगा, हैं? अपने अंदर में त्रिनादपि सुनिचि सहन शक्ति आएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी बात पर हमारे अंदर में क्रोध नहीं आएगा, हाँ? इसलिए शिक्षा देते, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान होकर के भिक्षा के लिए क्यों, लक्ष्मी जिनकी सेविका है, तब वो उनको भिक्षा करने का क्या जरूरत है, लक्ष्मी तो सब कुछ देने वाले लक्ष्मी है, इसलिए कहते भिक्षा को द्वारा ही जीविका निर्वाह करनी चाहिए, भिक्षा वृत्ति, इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने भिक्षा वृत्ति किया है, इसलिए मंदिर में, मंदिर से इसलिए बाहर जानी चाहिए, मंदिर से बाहर जानी चाहिए, जाकर के भिक्षा ग्रहण कर, भिक्षा वृत्ति अवलंबन करनी चाहिए। जाने से क्या होगा, भिक्षा को दर, इस मथुरा में जो प्रचार हुआ ना, भिक्षा से प्रचार हुआ, मथुरा में भिक्षा से प्रचार हुआ, मंदिर से अगर बैठ गए मंदिर में, नहीं होटल में पैसा आ रहा है इसलिए पैसा कमा करेंगे मंदिर में बैठ कर खा, नहीं, ये धर्म नहीं हमारी, ये धर्म हमारी नहीं, हमारी धर्म है भिक्षा वृत्ति, हमारी धर्म है धर्म है, उसमें गृहस्थ का भी कल्याण और हमारे भी कल्याण, दोनों का उसमें कल्याण होगा, हैं? दोनों का ही उद्धार होगा। क्या होगा, मथुरा में इतना प्रचार कैसे हुआ, जब हम पहले मथुरा मठ में आए, द्वादश में भिक्षा के लिए जाते हैं, तब महाराज ने बोले रसानंद थोड़ी भिक्षा करके लाओ, बोले महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं जानता, बोले इधर जहाँ जाओगे ना भिक्षा देंगे, जहाँ जाएंगे भिक्षा देंगे, हैं? मैंने गया तो कुछ कुछ घर में दिया, कुछ कुछ घर में दिया नहीं, लेकिन थोड़ी हमने भिक्षा लेकर के आया, और गुरुदेव देख करके ना इतने खुश हुए, बोले बहुत लेकर के आया, तूने बहुत लेकर के आया। उसको बाद में हमारे प्रचार है ना वहाँ पर मथुरा में, सब भक्त लोग जानते हैं, इसलिए फिर धीरे धीरे भक्तों को साथ में गया, तो वो अपना थाली में सीधा दाल चावल सब सीधा सजा कर एकदम जाए जाओ, इसलिए सब सजा सजा कर रखते हैं और वो देते हैं, और उसको लेकर के हम लोग लेकर के हम आते हैं, हैं? इसलिए भिक्षा इसमें ऐसे ही प्रचार हुआ,
जाने से लोगों का साथ में प्रीति होगा, परिचय होगा, है ना। परिचय होने पर फिर वो लोग आएंगे जाएंगे, फिर मंदिर का सेवा करेंगे, मंदिर का समृद्धि होगा। इसलिए दुनिया में इसलिए सप्तम स्कंध का अंतिम में बताया रोज रोज ब्रह्मचारियों को रोज घर से बाहर जानी चाहिए, रोज जानी चाहिए और उतना भिक्षा करनी चाहिए गुरु जी के लिए हो जाए अपना लिए हो जाए, हैं। इसलिए गुरु जी की कभी भी गुरु जी की चरण में हमें ऋणी नहीं रहनी चाहिए, इतने भिक्षा लानी चाहिए ब्रह्मचारियों को, नियम है। और उसको तरह प्रचार होगा हर तरह से, सबका भी कल्याण है, हमारे भी कल्याण है, गृहस्थों का भी कल्याण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अब ये चीज को कौन पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद चैतन्य मठ, पहले चैतन्य मठ स्थापन किया ना मायापुर में, चैतन्य मठ का जो भक्त लोग कहे कहते अभी यही वृत्ति अवलंबन करके, जैसे महाप्रभु का दुर्ग पूर्णिमा परिक्रमा होता है तीन चार महीना तक प्रचार करने जाते, प्रभु कहते ना तीन चार महीना तक प्रचार करने जाते हैं गाँव गाँव में, कोई एक किलो कोई दो किलो कोई आधा किलो इसे चावल देते हैं और उसको संग्रह करके लाते हैं और महाप्रभु की विशाल परिक्रमा होता है। इसलिए कहते भिक्षा वृत्ति हमारे धर्म, महाप्रभु कहते हैं इसलिए हमें भिक्षा के द्वारा अपना जीविका निर्वाह करनी चाहिए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare, hare hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare, hare krishna hare rama hare rama 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 hare hare, hare jai ho hari ho hari ho hari ho hari ho jai ho hari ho hari ho hari ho गौर गुरुवानंद। आज आरती किसका पाली है?